जय हिंद दोस्तों। कोरोना वैक्सीनेशन का सेकेंड फेज चल रहा है और अब सेकेंड फेज में सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। फ्रंटलाइन वर्कर्स में सरकारी कर्मचारी, पुलिस, ये सब शामिल है। तो दोस्तों, कल यानी 12 फरवरी 2021 को मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त डॉक्टर विजय राठौड़ जी ने भी वैक्सीनेशन करवा लिया है। उन्होंने एक संदेश भी दिया है सभी आम जनता को कि ये वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है। और उन्होंने ये भी कहा कि हेल्थ वर्कर्स हो, फ्रंटलाइन वर्कर्स हो और आम नागरिक हो, जब भी उनकी बारी आए वो वैक्सीनेशन ज़रूर करवाए। तो दोस्तों, वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो बहुत तेज़ी से चल रही है। बहुत जल्द आम नागरिकों को भी वैक्सीनेशन दिया जाएगा। फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन देने के बाद वैक्सीन आ गई है, कोरोना भी एकदम कंट्रोल में आ जाए। फिलहाल कोरोना का ग्राफ ऊपर नीचे जाते रहता है। मीरा भाईंदर में कभी 7 पेशेंट्स रिपोर्ट होते हैं, कभी 15 होते हैं, कभी 30 होते हैं, लेकिन ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। यानी ये मोस्टली 30 के नीचे ही रहता है, कभी कदार 30 तक पहुंच जाता है। तो बहुत अच्छी बात है कि कोरोना ऑलमोस्ट कंट्रोल में है, वैक्सीनेशन भी चल रही है तेज़ी से। उम्मीद करते हैं कि ये कोरोना महामारी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। आप सब अपना ख्याल रखें, सभी को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मी डॉक्टर विजय राठौड, मीरा भाईंदर कमिश्नर। आज मी कोविशील्डची वैक्सीन घेतली आहे। ही वैक्सीन एकदम सुरक्षित आहे आणि याच्यामधनं कदाचित फ्यूचरमध्ये कुणाला थोडे मोठे साइड इफेक्ट येतील, पण ही अत्यंत सुरक्षित वैक्सीन आहे। वैज्ञानिकांनी पण याला प्रमाणित केलं आहे। मी सर्व नागरिकांना आवाहन करतो आणि सगळे फ्रंटलाईन वर्कर असतील, हेल्थ वर्कर असतील, तुमचा नंबर जेव्हा येईल तुम्ही जरूर ही वैक्सीन घ्यावी।